और ये जिस जगह आप बैठे हैं आते थे। फिर और मैं खैराबाद में पैदाइश में इलाहाबाद की है। खैराबाद को सूबे अवध का दर्जा अकबर बादशाह ने अता किया था, और आपको ज़रूर मालूम होगा कि उन्हीं के नौरतन थे फैजी साहब, उन्होंने मखदूम साहब का मकबरा यहाँ बनवाया। उर्दू अदब का मरकज़ रहा खैराबाद, और गालिब साहब तक यहाँ आते हैं और अल्लामा फजल हक साहब से इस्लाह लेते हैं, और सिर्फ अदबी इस्लाह नहीं, उनके किरदार में फ़र्क आ जाता है अल्लामा फजल हक की सोबत से। खैराबाद पाँचवीं सदी से बसा हुआ है, और अगर खैराबाद की हिस्ट्री को देखा जाए तो तीन हिस्सों में से तकसीम किया जा सकता है। जब हर्षवर्धन साहब राजा विक्रमादित्य का टाइम आता है तो वो पाँचवीं से लेकर दसवीं सदी तक आता है, और उसके बाद फिर मुगलिया पीरियड आता है जिसमें अकबर, शाहजहाँ, हुमायूं और इन सब की वाबस्तगी रही है खैराबाद के साथ। प्राचीन युग पहले दिखाया है, राजा विक्रमादित्य का दौर पूरा दिखाया है, फिर मध्य युग ये अंग्रेज़ों का जो दौर था वो दिखाया, वर्तमान में जो वर्तमान में मुग़ल कालीन दौर से आज तक इसमें इसका जिक्र है। इसमें खैराबाद की हिस्ट्री कब बना, कैसे बना, किसने बसाया, फिर इसके बाद इसकी व्यवसायिक स्थिति क्या थी, बिल्डिंगें यहाँ की जो मशहूर हैं, मजारात, उर्स और बुजुर्गान दीन, संत महात्मा, संगतें, सब कुछ इसमें हमने ये दिखाया है, दर्शाया है किताब में, और सब रिकॉर्डेड और गजेटियर से इसका हवाला भी दिया है, किताबों का भी इसमें दिया है। खैराबाद की बिल्डिंग में तो इमामबाड़ा है, बड़े मखदूम साहब का मजार है, लाल कुआँ है, ईदगाह है, संगतें हैं, भुइयां ताली तीर्थ स्थान भी दिखाया है।